हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। इफ यू आर न्यू हियर, माय नेम इज अंतिमा दुबे। सो आई एम बैक विद अनदर एक्साइटिंग वीडियो एंड टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट फेक आई लैशेज। फेक आई लैशेज का नाम सुनते ही दिमाग में जो सबसे पहली चीज आती है वो ये आती है कि फेक आई लैशेज अप्लाई करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, बहुत ज्यादा ट्रिकी होता है। बट ट्रस्ट मी, जैसे ही आप फेक आई लैशेज अप्लाई करते हैं तो आपका जो आई मेकअप है वो एक लेवल ऊपर चला जाता है। आपने कितना भी अच्छा, कितनी भी मेहनत करके आई मेकअप किया हो, लेकिन अगर आप फेक आई लैशेज नहीं अप्लाई करते हैं तो आपका जो आई मेकअप है वो कंप्लीट नहीं लगता, अधूरा अधूरा सा लगता है, परफेक्ट नहीं लगता है। दूसरी चीज कि फेक आई लैशेज अप्लाई करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उसको परफेक्ट तरीके से अप्लाई करो, क्योंकि अगर उसमें भी आपने कुछ मिस्टेक कर दी तो आपका जो मेकअप है वो और ज़्यादा ख़राब दिखने लगता है। एंड दूसरी चीज़ जो दिमाग में आती है वो ये है कि अच्छी क्वालिटी की फेक आई लैशेज जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, बहुत ज़्यादा महंगी होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि कैसे आप बिना किसी मिस्टेक के बहुत ही ईजी तरीके से फेक आई लैशेज अप्लाई कर सकते हैं। कुछ डू एंड डोंट्स भी बताऊँगी एंड आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूं कुछ बहुत ही अच्छी क्वालिटी की अफोर्डेबल आई लैशेस, फेक आई लैशेस। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स मूव ऑन टू वीडियो। सबसे पहली आई लैशेज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी वो है ये मिस क्लेयर की प्रोफेशनल आई लैशेज, जिसका प्राइस है 195। बट ट्रस्ट मी, नायका पे आपको ये 150 तक मिल जाएगी। अभी ये आउट ऑफ स्टॉक चल रही है ऑलमोस्ट 6 मंथ से, लेकिन जैसे स्टॉक में आती है मैं बहुत सारा लेने वाली हूँ। और इसका जो नंबर है वो है C109। वैसे मैं सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी ताकि आप वहाँ से चेकआउट कर सकें। एंड बहुत ही अच्छी आई लैशेज है, आप देख सकते हो बहुत ही नेचुरल है। आप जब इसको अप्लाई करेंगे ना तो बहुत ही मुश्किल से कोई डिफरेंस बता पाएगा कि आपने फेक आई लैशेज अप्लाई की है, क्योंकि इसका जो हेयर है बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। इसका जो बैंड है बहुत ही ज़्यादा पतला है, बहुत ज़्यादा पतला है। लाइक मैं अगर कोशिश करूँगी कि क्लोजअप बैक कैमरे से दिखाने की तो मैं दिखा दूँगी। एंड मैंने इसको अभी तक अप्लाई किया है, बहुत बार मैं इसको अप्लाई कर चुकी हूँ। लाइक पिछले करवा चौथ में मैंने इसको लिया था अपनी भाभी के लिए एंड उन्होंने बस उसी दिन अप्लाई किया था, उसके बाद से मैं ही अप्लाई कर रही हूँ। 5-6 बार मैं इसको अप्लाई कर चुकी हूँ बट इसकी कंडीशन आप देख सकते हो कि कितनी अच्छी बनी हुई है। वैसे आई लैशेज की जो लाइफ होती है ना वो आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप उसको कितने अच्छे से रखते हो, कितने केयर से उसको निकालते हो। बहुत ही अच्छी आई लैशेज हैं, बहुत ही नेचुरल हैं, आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कर सकते हो। बिल्कुल भी हैवी फील नहीं होती है आपकी आईज़ पे एंड इसके जो हेयर है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। बिल्कुल भी ऐसा आपको भी खुद भी नहीं फील होगा कि आपने कोई आई लैशेज अप्लाई की है। और इसका जो बैंड है वो ट्रांसपेरेंट है तो बिल्कुल दिखता ही नहीं, ठीक है। दूसरी आई लैशेज जो मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ वो है ये आई लैशेज, क्योंकि वो मैंने नॉर्मल यूज़ के लिए दिखाई है और ये थोड़ा सा ड्रामेटिक है। जैसे आप कोई ग्लैम मेकअप लुक कर रहे हो तो उस पर वो आई लैशेज नहीं जाएंगी, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। एंड ये है HP की ब्रॉन्जोन, आई डोंट नो मैं करेक्टली प्रोनाउंसिएट कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, आई थिंक ब्रॉन्जोन है ये। एंड इसकी भी डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एंड इसका जो प्राइस है वो है 175, बट ये आपको 130 के आसपास आराम से मिल जाएगी नायका पे जब भी कोई सेल वगैरह चल रही हो। और इसका जो नंबर है वो है M72, ठीक है। एंड आई डोंट नो, एक वियर्ड सी चीज़ मुझे लगी कि यहाँ पे पैक ब्रांड जो है वो अलग ब्रांड है, पैक की आई लैशेज आती हैं जो कि सबसे अच्छी आई लैशेज मानी जाती हैं। मुझे नहीं पता यहाँ पे क्यों पैक का नाम दिया हुआ है, बट टोटली ये दोनों डिफरेंट ब्रांड हैं। ये ब्रॉन्जोन है एंड वो पैक है, और उसके प्राइस में, इसके प्राइस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और इसको मैंने लिया था पिछले मार्च या अप्रैल में, लाइक जो लास्ट मैंने लास्ट ईयर में जो नायका हॉल दिखाया था मैंने उसमें दिखाया था आपको ये लैशेज, और तब से मैंने इसको कम से कम 15-20 बार यूज़ कर लिया होगा। इसमें मुझे एक चीज़ जो अच्छी लगती है वो है इसका बैंड, क्योंकि इसका बैंड जो है ना, जब मैंने हॉल आप लोगों के साथ शेयर किया था तो मैंने आप लोगों के साथ बोला भी था कि इसका बैंड मुझे अच्छा नहीं लगा। जब तक आप कोई चीज़ यूज़ नहीं करते या जब तक आपको करेक्टली यूज़ करना नहीं आता तब तक आपको लगता है कि प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है, लेकिन शायद मुझ में ही थी। एंड जब मैंने इसको अप्लाई किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसका जो बैंड है ना वो इस तरह से कुछ है, इस तरह से जब अप्लाई करते हैं तो ऐसा लगता है कि आपने लाइनर भी लगा रखा है, लाइक आईलाइनर भी लगा रखा है। वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही अच्छे तरीके से। और इसमें, इस आईलैशेस में थोड़ी सी मिस्टेक भी इधर उधर हो जाती है तो वो जल्दी से नोटिस नहीं होगी। इसके हेयर थोड़े से सिंथेटिक हैं, उतने ज़्यादा नॉर्मल उतने ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है जितने ज़्यादा मिस क्लेयर के थे, बट इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये थोड़ी सी हैवी लगती हैं बट क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैवी हैं भी, इस वजह से हैवी लगती हैं। ये आई लैशेज़ भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, मतलब
200 के अंदर आई लैशेज मिलना बहुत मुश्किल है। मैंने देखा है लोग लेते हैं आई लैशेज एंड वो जब अप्लाई करते हैं ना, यू नो, बिल्कुल फ्लैट रहती, चमकती रहती है क्योंकि वो सिंथेटिक होती है, बहुत ही गंदी लगती है। बट ये आपने देखा होगा, जो लोग मुझे रेगुलर देख रहे हैं, मैं अपने मेकअप में यही ये आई लैशेज या वो मिस क्लेयर वाली यूज़ करती हूँ, आपको पता होगा कि कितना सुंदर लगता है ये। तीसरी आई लैशेज जो है वो अगेन ब्रोंजोन प्रोफेशनल से ही है, बट इसका जो नंबर है वो है 53 एंड इसका जो प्राइस है वो 150 रुपीज़ है, बट ये आपको नायका पे 120 के अंदर मिल जाएगी। मैंने इसको 115 रुपीज़ में लिया है एंड मुझे कुछ चाहिए था बहुत ज़्यादा, यू नो, ड्रामेटिक से और बहुत ज़्यादा नॉर्मल के बीच वाला, क्योंकि जब मैं इसको अप्लाई करती थी ना तो ये बिल्कुल पता भी नहीं चलता था कैमरे में, और इसको जब मैं अप्लाई करती थी तो बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक था, तो कुछ अगर सिंपल सा मेकअप लुक करना होता था उसके लिए मुझे चाहिए थी, तो मैंने इसको लिया है और यही आई लैशेज मैंने अप्लाई कर रखा है, ये 53 एंड बहुत ही ब्यूटीफुल ये है। आप देख सकते हो कि कितना ब्यूटीफुल लग रहा है एंड बिल्कुल भी हैवी फील नहीं हो रहा है, बहुत ही, यू नो, लाइट वेट है, आपको पता भी नहीं चलेगा। बहुत ही कंफर्टेबल हूँ मैं इस वाली के साथ, 53 वाली के साथ। इसके साथ थोड़ा सा आपको हैवी लगेगा क्योंकि ऑब्वियसली ये थोड़ी सी ड्रामेटिक है, इसमें हेयर वगैरह ज़्यादा है, थोड़ी सी लेंथ ज़्यादा है, तो थोड़ा सा हैवी लग सकता है। बट ये तीनों आई लैशेज मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो ये कुछ ब्रांड की आई लैशेज थी जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी की हैं एंड बहुत अफोर्डेबल, लाइक 150-120 ऐसे आपको मिल जाएगी। और अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपको फेक आई लैशेज अप्लाई करते टाइम क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आपको बहुत ही इसको ना केयरफुली निकालना है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे खींच लेते हैं, जब आप इसको खींच के ऐसे निकालोगे ना तो इसकी शेप जो है वो ख़राब हो जाएगी, ये बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा। आप देख सकते हो मैंने अभी खींच के ही निकाला है, इसमें कोई भी शेप नहीं रह गई है। बहुत ही केयरफुली निकालना है, जैसे कि मैंने बोला कि जो आई लैशेज की लाइफ होती है ना वो आपके यूज़ करने के ऊपर डिपेंड करती हैं कि आप उसको किस तरह से यूज़ करते हैं। उसके बाद आपको इसमें अप्लाई करना है ग्लू। वैसे मेरे चैनल पे एक वीडियो आ चुकी है हाउ टू अप्लाई फेक आई लैशेज, लेकिन ये थोड़ी सी डिफरेंट है क्योंकि इसमें मैं बताने वाली हूँ डू एंड डोंट्स। जो आपको क्या करना है, पहले तो आपको मेज़र करना है ये आई लैशेज आपके आँखों के हिसाब से है कि नहीं, बट ये जो आई लैशेज हैं मुझे बिल्कुल भी कट नहीं करना पड़ा, बहुत ही परफेक्ट थी। आपको दोनों एंड पे ज़्यादा ग्लू लगाना है और बीच में उतना ज़्यादा ग्लू नहीं लगाना है। और दूसरी चीज़ की बहुत ही थिन लेयर आपको ग्लू की लगानी है, कुछ लोग हैं बहुत ज़्यादा ग्लू की लेयर लगा लेते हैं, वो ऊपर से भी दिखता है। बाय द वे मैंने यहाँ पे पैक का ग्लू लिया है एंड ये 499 का है, आप चाहें तो मिस क्लेयर का ले सकते हैं, वो बहुत ही अच्छा है, मैं उसको भी यूज़ कर चुकी हूँ। ग्लू में प्लीज़ कंजूसी मत करना क्योंकि आपकी आँखों का सवाल है, ग्लू जो होता है बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, अगर आपने कुछ ऐसे ही ले लिया तो मे बी आपकी आँखों में कोई प्रॉब्लम हो जाए। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इस तरह से करना है ताकि इसकी जो शेप है ना वो बनी रहे। कुछ लोगों को आपने देखा होगा जब वो आई लैशेज अप्लाई करते हैं तो वो फ्लैट रहती है, बिल्कुल ऐसे सीधी रहती है। मैं यहाँ पे कहीं पे पिक्चर लगा दूँगी, आप देखना कि वो कितनी गंदी लगती है। वो सिर्फ इसी वजह से लगती है क्योंकि इस तरह से हम नहीं करते हैं, ठीक है। इस तरह से कर लिया, अब इसकी जो शेप है वो राउंड बन गई। उसके बाद आपको इसे सेंटर में पकड़ना है, बिल्कुल बीच में पकड़ना है, आप चाहें तो टूल भी यूज़ कर सकते हैं, मैं फिंगर के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। एंड इस तरह से आपको पकड़ना है और आपको ऐसे नहीं लगाना, अगर ऐसे लगाएंगे तो ये भी, यू नो, नीचे की तरफ ज़्यादा होंगे, आपको इस तरह से लगानी है और अपने सिर को पीछे की तरह थोड़ा सा ऐसे टिंट कर लेना है और ऐसे पकड़ना है। एंड देन आपको बीच में जहाँ पे पकड़ा है और आपको बिल्कुल क्लोज, जो आपकी लैश लाइन है बिल्कुल क्लोज वहाँ पे रखना है, और उसके बाद जाके ये जो है आपको सीधा नहीं, ऐसे चिपका नहीं देना है, आपको कर्व करना है, जो आपकी एंड है, आपकी जो, यू नो, नेचुरल आई लैशेज हैं एंड पे, वहाँ पे आपको इसे इस तरह से करना है। एंड देन यहाँ पे भी अगर मैं ऐसे कर देती हूँ तो ये फ्लैट हो जाएगा, आपको कर्व बिल्कुल ऐसे करके ऐसे करना है। एक सेकंड भी मुझे नहीं लगा, लाइक 2-3 सेकंड लगे होंगे, बट यू कैन सी कितना परफेक्ट तरीके से मैंने इसको अप्लाई कर लिया, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, बहुत ही परफेक्ट है इसका साइज़, आपको बिल्कुल भी कट वट कुछ भी नहीं करना है। एंड कुछ चीज़ों का जो मैंने बताया ध्यान रखेंगे तो आप बहुत ईजी तरीके से अपनी आई लैशेज को अप्लाई कर सकते हैं। एंड आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर देना, बगल में एक छोटा सा बेल बटन बना होगा उसे ज़रूर प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आप मेरी किसी भी वीडियो को मिस ना करें। मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।